लगातार जिलों से मिल रही धमकियों को लेकर जेल मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि जेलों में बहुत सुधार हुआ है। अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता है तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और अब हरियाणा की जेलों से फोन आना या धमकी मिलने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। देखो ऐसा है, बहुत सुधार हुआ है जेलों में। लिसन, अगर कोई भी आपको ऐसा नजर आता है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई आपको कोई ऐसा क्लू नजर आता है कि भी जेल से फोन आया, आप मुझे बता सकते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल भी अब हरियाणा की जेलों में ये फोन आने का सिस्टम कतई बिल्कुल, जैसे लारेंस बिश्नोई की तरफ से कई बार ये बातें सुन तो लो ना। ये अब आप देखो, किसी हमारे सांसद को धमकी दी, उसके ग्रुप ने जो वो पकड़ा गया धमकी देने वाला, तो उस ग्रुप का लिखा ही नहीं कि अब तक कौन धमकी दे रहा था। तो कुछ लोग इसका नजायज फायदा भी इन चीजों का उठाते हैं, लेकिन निश्चित रहे, मैं जो बात कह रहा हूँ वो निश्चिंता ये है कि जेलों से जिस तरह के ऐसा सुनते थे कि भाई चला रहे हैं, बाहर फोन कर देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा अब कोई ऐसा कुछ होगा नहीं। वहीं कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवाल पर भी मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हार के सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है और उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, और मैं तो उनको ये कहना चाहूंगा कि इस सदमे से बाहर निकलने और सच्चाई को पहचानने की 36 बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष का नहीं बनाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले अरविंद शर्मा, कहा वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला। मैंने पहले भी कहा कांग्रेस इस सदमे से अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही है। उसने झूठ का पुलिंदा इतना बड़ा बना दिया था, इतना लोगों को गुमराह कर दिया था, इतना जबरदस्त लोगों को गुमराह कर दिया था कि पोलिंग के बाद भी लोग इतने गुमराह हो गए थे, आप सोच सकते हो। पोलिंग के बाद भी लोग धड़ाधड़, क्योंकि उसने उसकी शैली इस तरह की थी, उनकी बातें इस तरह की थी, गुमराह करने की बातें इस तरह की थी। अब उसको इस सदमे से बाहर निकलना चाहिए और हमने तो मैं तो ये कहूंगा कि भी बाहर निकले और सच्चाई को पहचाने। सच्चाई क्या है? 36 बिरादरी ने, पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी ने मोदी जी के नेतृत्व में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे मोहनलाल बरौली जी सबके नेतृत्व में, मनोहरलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ठोक करके वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है। 36 बिरादरी के आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी, दूसरी बार नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने, और अब जो लोगों की को उम्मीद है ये सरकार बहुत अच्छे तरीके से, चाहे किसान है, खेती और मजदूर है, SC है, BC है, OBC है, जनरल जाति के हमारे गरीब साथी हैं, कोई भी कैटेगरी हो, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, शहीदों के परिवार, कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। व्यापारी है, छोटा व्यापारी, बड़ा व्यापारी, हरेक की सेवा के लिए, हरेक के कामों के लिए नायब सैनी जी की सरकार हम सब तत्प्रिय है। बिल्कुल खूब बढ़िया तरीके से काम करेंगे, और अभी सौ दिन में आपको नजर भी आएगा कि किस तरह से सरकार का क्या विजन है और किस तरह सरकार आगे बढ़ रही है। और आपने देखा है मुख्यमंत्री बनते ही जो संकल्प पत्र था उसको, उसकी पर अमल होना शुरू हो गया। 25,000 नौजवानों के जो नियुक्ति पत्र थे वो एकदम बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके रिलीज किए, ये बहुत बड़ी बात है। नेता प्रतिपक्ष का नेता नहीं बना वो, उनका अपना इंटरनल। बता दें कि हरियाणा सरकार में सहकारिता और जेल मंत्री अरविंद शर्मा रविवार को झज्जर शहर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां मंत्री अरविंद शर्मा का झज्जर शहर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता और शहर के लोगों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।